प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 12 अगस्त को मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी लगातार तीसरे महीने मध्य प्रदेश प्रवास पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान सागर में संत रविदास मंदिर की आधारशिला रख रहे हैं। इसी बीच पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ा हमला किया है। जी हां, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए आरोप लगाया है कि कर्नाटक में तो जनता ने 40% कमीशन वाली सरकार को हटाया था, लेकिन मध्य प्रदेश में जल्द ही 50% कमीशन वाली बीजेपी की सरकार भी जाने वाली है। प्रियंका ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में ठेकेदारों के संघ ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है। कर्नाटक में भ्रष्ट बीजेपी सरकार 40% कमीशन की वसूली भी करती थी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी भ्रष्टाचार का अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर आगे निकल गई है। कर्नाटक की जनता ने 40% कमीशन वाली सरकार को बाहर किया है और अब मध्य प्रदेश की जनता 50% कमीशन वाली बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। अब मध्य प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि कौन उनके हित में कार्य करता है। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी बीजेपी पर 50% कमीशन की सरकार होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी वालों के दिलो दिमाग में कमलनाथ के अलावा अब कुछ भी नहीं आता है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि बीजेपी वाले आजकल मेरी आस्था और विश्वास की ज्यादा चिंता करते हैं, नए नए शब्द गढ़ रहे हैं, चुनावी पूजा, चुनावी भक्ति, पॉलिटिकल पाखंड और कमलनाथ का तिलिस्म तोड़ने का दम भर रहे हैं। उनके नुमाइंदर बीजेपी वाले मेरा नाम जपना छोड़ के जनता का नाम जपे, जनता की भक्ति करे, देश में जनता ही जनार्दन है। उन्होंने आगे लिखा कि जनता के हित में बीजेपी सरकार से अनुरोध है कि महंगाई का तिलिस्म तोड़े, बेरोजगारी का तिलिस्म तोड़े, भ्रष्टाचार का तिलिस्म तोड़े, भर्ती घोटालों का तिलिस्म भी तोड़े, 50% कमीशन का तिलिस्म तोड़े, महिला अपराध का तिलिस्म तोड़े। उधर दूसरी तरफ बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा है कि इस तरह का ट्वीट कर वे शिवराज सरकार को बदनाम करने का काम कर रही है, जबकि पत्र पूरी तरह से फर्जी है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार में भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है। इस प्रकार की कमीशन की बात पूरी तरह से फर्जी ही साबित हो रही है। आपका क्या कुछ कहना है इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।